चौहान का बेटा अजय पिछले 2 महीने से लीबिया में फंसा हुआ है। दरअसल पाकिस्तानी ठेकेदार द्वारा उसे खाना और पानी भी नहीं दिया जा रहा है। फंसे युवक ने अपना वीडियो बनाकर पिता के पास भेजा तो इस अमानवीय घटना की जानकारी अब लोगों के सामने आ चुकी है। क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से वो वहां पर जिंदा है, इन तमाम बातों को देखिए इस रिपोर्ट में। लीबिया में फंसा उत्तर प्रदेश का लाल, 3 महीने से फंसा है युवक, पाकिस्तानी ठेकेदार कर रहा प्रताड़ित, वीडियो भेजकर मांगी मदद, सरकार से लगाई मदद की गुहार। महाराजगंज का अजय अपने अरमान सजोए कमाने की चाहत लिए लीबिया निकल गया, लेकिन यहाँ पहुँचने के एक हफ्ते बाद से ही उसे पाकिस्तानी ठेकेदार के जुल्मों से तम का शिकार होना पड़ रहा है, जहाँ उसका खाना पीना बंद कर दिया और खाना मांगने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन अजय अपने परिजनों को फोन और व्हाट्सएप के जरिए मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि किसी तरह मुझे बुला लो, नहीं तो यहाँ ये लोग मार डालेंगे। लीबिया में त्रिपोली शहर है और जिधर रहता हूँ बीपी नाम है उस एरिया का, इधर ले आकर फंसा दिया है। बहुत काम करवा रहा है, खाना पानी भी नहीं दे रहा है, 24-24 घंटे खाना दे रहा है, पानी सही टाइम से नहीं दे रहा है, 1 डिब्बा दे रहा है, उसी में दिन भर खाना बनाकर काम करना है, काम भी करवा रहा है। बहुत इधर ले आकर गोदाम में रख दिया है, इतना काम करवा, बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, तबीयत खराब है, घर जाने के लिए बोल रहा हूँ, जाने भी नहीं दे रहा है। हमें किसी तरह इंडिया बुला लीजिए, आपसे विनती करता हूँ। अजय के पिता ने बताया कि उनके बेटे के विदेश जाने की इच्छा उन्होंने एक एजेंट से की थी। एजेंट ने साउथ अफ्रीका भेजने की बात करते हुए 1.5 लाख रुपए का खर्चा बताया। पैसों का इंतजाम करके अजय के पिता ने पैसे एजेंट को दे दिए, लेकिन अजय का वीजा साउथ अफ्रीका के बजाय लीबिया का आया। अजय राजमिस्त्री के काम के लिए लीबिया तो चला गया, लेकिन वहाँ उससे 8 घंटे के बजाय 14 घंटे काम कराया जाने लगा। तबीयत खराब है उस लड़के का, और कौन कौन बॉर्डर पार करके ले जाता है काम कराने के लिए, 24 घंटा हम खाना देते हैं सब, और दवाई वाई नहीं कराते हैं सब, और पानी वानी सब चीज के साथ साथ है, और यही कुछ सब दिक्कत लड़का को ऐसे कह रहा है, आने के लिए नहीं भेज रहे हैं, सब मर जाएगा सड़ जाएगा, बाकी हम भेजेंगे नहीं। लड़का के धोखा पट्टी से लोग भेज देना जाएगा, दूसरे को कहें भेजा भी 1,45,000 रुपया ले लेना, कहना भेजब वहाँ या भेजाना ना ही लोग भेज देना निबिया में, वहाँ बड़ी परेशानी में लड़का को लड़का मांगा हुआ तो कहा था अम्मा जैसे वैसे बोला। मेरे हस्बैंड फंसे हुए हैं लीबिया में, कहीं और भेजना था भेज दिया कृपाल वहाँ पर लीबिया में, हमारे हस्बैंड को बुला लीजिए, वो बहुत दिक्कत में है, सांस खुला है, यही निवेदन है कि जल्दी से जल्द कृपया करके हमारे हस्बैंड को बुला लीजिए इंडिया वापस। युवक के पिता ने डीएम और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर सुरक्षित स्वदेश लाए जाने की मांग की है। अब ये गरीब परिवार ये भी नहीं समझ पा रहा कि वो जाएं तो जाएं कहां, किससे अपनी आप बीती सुनाएं, आखिर इतनी ऊंची पहुंच वो कहां से लाएं जो मंत्रालय तक उनकी आवाज को भेज सके। जय बहादुर, भारत समाचार, महाराजगंज।